Brewing Company. So भैया ये हैं वेगास के शश के दिल में रात में दिन भाई पूरा न्यूयॉर्क देख के अच्छी तरह उसकी रंगीनियां एंजॉय करके उसके कल्चर उसका फूड उसकी फन उसके एनवायरनमेंट उसके लोगों से बातचीत करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके अब आपका भाई न्यूयॉर्क एयरपोर्ट न्यू जर्सी से जा रहा है लॉस वेगास की तरफ और रस्ते में एक स्टॉप होगा लेओवर का नैशविल में। तो मेरा ये ख्याल है कि लॉस वेगास का सबसे फंटास्टिक व्लॉग आज आप अपनी जिंदगी का देखने जा रहे हैं क्योंकि मैंने इस कदर घुमा है कि अनबयानेबल है। तो देखें जरा स्टार्ट करते हैं व्लॉग। अच्छा भाई कैरी ऑन बैगेज इसमें होगा और पर्सनल इसमें होगा, मेरा पर्सनल में फिट हो रहा है तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, अदरवाइज आपको तकरीबन $85 पे करने पड़ेंगे अगर आपका इसमें फिट नहीं हो रहा। तो ये आपने बड़ा ख्याल रखना बजट एयरलाइंस में वरना आपको टिकट से ज़्यादा पैसे लग जाएंगे आपके बैगेज के। अच्छा जी बजट फ्लाइट जो है स्प्रिट वो अभी ऑन टाइम है और विदाउट एनी प्रॉब्लम, इट्स समथिंग लाइक रायनएयर यू नो इन यूरोप। सो ये आपको ठीक पड़ेगी और चेक इन वगैरह प्रॉपर वही होते हैं सारे के सारे जैसे कि हम नॉर्मल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे करते हैं। सो आपके जो भी चीज़ें हैं वो सारी चेक की जाती हैं, आपको बॉर्डर से क्रॉस होना पड़ता है सिक्योरिटी से और उसके बाद जो है आपको फिर एक एक्सरे मशीन है जिसमें हाथ ऐसे ऊपर करके खड़ा होना पड़ता है और उसके बाद आप आ जाते हैं अपने गेट पर। गेट पर टाइम पर पहुँचेगा क्योंकि इन टाइम फ्लाइट होती है, लेट नहीं होती है बिल्कुल भी। सो आपने टाइम पर पहुँचना है ताकि आपकी फ़्लाइट मिस ना हो। बाकी फंटास्टिक है, मतलब नॉर्मल है, मतलब 1.5 घंटे की फ़्लाइट है मेरी यहाँ से तकरीबन 1 आवर 40 मिनट्स नैशविल की, नैशविल में 40 मिनट स्टे है उसके बाद में वेगास की मेरी फ़्लाइट है। दोनों बोर्डिंग पास मुझे मिल गए हैं वहीं से अपना न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से। अच्छा जी ये नैशविल एयरपोर्ट है और बड़ा अच्छा एयरपोर्ट है, मतलब छोटा है लेकिन बड़ा फंटास्टिक है, चेक करो जरा। तो भाई ट्रैवल करें ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा ज़्यादा मेमोरीज इकट्ठी करें, पैसा तो फिर कमा लेंगे। Please use caution when opening those overhead bins. I just didn't move around during flight. No way. वेगास पे तो उतरते के साथ ही एयरपोर्ट पे ही बॉलिंग वॉलिंग शुरू है भाई, मतलब उतरते के साथ ही आप बिना टाइम जाया किए अपनी लॉटरी जो है वो खेलना शुरू कर दो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। भाई दुनिया में इससे चिल एयरपोर्ट आपने कभी नहीं देखा होगा और ना ही देखोगे, ये है जी लॉस वेगास का एयरपोर्ट। उतरते ही बस आप अपनी गैम्बलिंग शैम्बलिंग शुरू कर दो भाई। अच्छा जी फाइनली तो आपका भाई जो है लॉस वेगास में, ये मेरी होटल है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ और ये सामने जो है ना पूल एरिया है पूरा का पूरा, यहाँ पर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक अलाउ है और वो हैं जी सारी राइड्स वेगास की फेमस राइड्स। सो मैं बस अभी निकल रहा हूँ क्योंकि वेगास आपको पता है रात के ये रात में चिल फिल करके आते हैं, थोड़ा इन्जॉय करके आते हैं। फिर चेक करो ना ज़रा वेगास के रंग भाई। मेरे होटल से डाउनटाउन का सफ़र सिर्फ 2 मिनट का था तो मैं 2 मिनट की मुसाफत तय करके पहुंचा डाउनटाउन। लॉस वेगास में नाइट लाइफ जो है वो डाउनटाउन में ही मिलेगी आपको। चेक करो भाई ये है लॉस वेगास के सभी वाले, मतलब फन कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं, चिल प्रोग्राम है, पता नहीं कौन कौन से मखलूक कहाँ कहाँ से आए हुए और ये पूरी रात मामला चलेगा पूरी रात। क्या लॉस वेगास का ये फन नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मतलब चेक करो माहौल चेक करो यहाँ पे, कितना तेज साउंड है, आवाज़ सही मुझे समझ में नहीं आ रही बट इट्स रियली फन। ये जिप लाइन है, जिप लाइन से यहाँ से शुरू
दोस्तों चले हम लोग अब करते हैं फेयरमाउंट स्ट्रीट का विजिट, जो कि लास वेगास में और बिल्कुल मेरे पीछे है इस वक्त। और वो तो आपने देख ही लिया था वहाँ वाला तो इसका पूरा। और अब हम देखते हैं यहाँ पर फेयरमाउंट स्ट्रीट, लेट्स गो। लास वेगास में ये चीज़ें हैं जो आपको मतलब कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी मतलब अलाव हैं जो दूसरे स्टेट्स में नहीं अलाव। सो इसीलिए बहुत खुला माहौल है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो 350 pounds से ऊपर होगा ना वो फ्री में खा सकता है बंदा। हार्ट अटैक ग्रिल इसका नाम है। यहाँ पर जाके अपना वजन तोलो, अगर तो 350 grams से आप ऊपर हुए pounds से तो यू कैन ईट फ्री। हल्का हूँ मैं तो भाई, 350 pounds यहाँ पर बिल्कुल फ्री खा सकते हैं खाना लास वेगास डाउनटाउन में। ये भी है मोटे होने के कभी कभी फायदे भी हैं, मतलब हमेशा नुकसान नहीं है। तो भाई ये फन है आपके सामने लास वेगास डाउनटाउन का, नाइट में ये फन है सारा का सारा। अगर डे में आपने फन करना तो डे की दूसरी जगह वहाँ हम कल चलेंगे डे टाइम में इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर करें। एक्सपीरियंस है थोड़ा सा मतलब हमसे हट के, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, शदीद भूख लग रही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऐसा कोई हलाल ऑप्शन नहीं है तो मैं नहीं खा पा रहा हूँ। मैं जाऊँगा कहीं अभी मार्केट देखूँगा, और जहाँ पर हलाल फूड तो मेरा नहीं ख्याल है, यहाँ पर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। रात के इस पैर तो ना हम गिने तो फिर कोई चिप्स वगैरह कोई कोक शोक वगैरह पकड़ के उससे गुजारा करना पड़ेगा आज रात। तो मैं चलता हूँ खाना खाता हूँ, आप ज़रा माहौल चेक करें लास वेगास का। और एक वीडियो में इसको कंप्लीट करना नामुकम्मल है, तो मैं एक और व्लॉग इसका बनाऊँगा जिसमें आपको बेलाजियो वाली साइड और न्यूयॉर्क वाली साइड जो इसमें है लास वेगास में वो दिखाऊँगा, और इसके अलावा और आप नाइट में क्या क्या फ़न कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। बट इट वॉज़ फंटास्टिक, जस्ट एक्सपीरियंस के लिए है और समझने के लिए कि लोगों का कल्चर क्या है, किस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं, नाइट लाइफ क्या है, वेगास को इतना ज़्यादा बदनाम क्यों कहते हैं, कैसीनो लाइफ और रियल जो इनकी लाइफ है ना वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, क्या इनके तरीक़ाकार हैं, कहाँ इंजॉय करते हैं, कैसे ये रहते हैं, क्या इनके मामलात है ज़िंदगी है, सब कुछ आप देखेंगे मेरे अगले लास वेगास के व्लॉग नंबर 2 में। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।